देखो जी, तो आज हम जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके एवरीवन, तो आज हम क्या देखेंगे? देखो, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक नंबर डिवाइड होता है, एक नंबर डिवाइड उसको कर रहा होता है ना। ठीक है, देखो जब ये यहाँ कोई नंबर लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। यस, डिविडेंड। डिवाइजर। और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिवाइजर। और जो रिजल्ट आता है वो ठीक है, कहीं लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड? देखो बात समझ आई ना सभी को? ओके, अब देखो, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम फॉर्मूला बनाएंगे इसे, ठीक है? क्या फॉर्मूला? देखो, डिविडेंड का फॉर्मूला, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर। रिमाइंडर तो अलग चीज होता है, मुझे कुछ रिमाइंड करवाना, रिमाइंडर होगा बच्चे। और क्या करना है? लिखने के लिए लिखा है। हाँ, लिखने हैं बच्चे, ये डिविडेंड का। अगर हम क्वेश्चन आएंगे ऐसे पे, डिविडेंड फाइंड आउट करना होगा, तो डिविडेंड फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करोगे? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, कुछ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा, तो देखो फॉर्मूला भी लिखवा सकता हूँ, वो याद कर लेना, और इसमें आप वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है? वैल्यू पुट करके कैसे सोल्व करोगे? देखो, डिविडेंड गिवन है तो डिविडेंड की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइजर गिवन है डिवाइजर की, क्वेश्चन क्वेश्चन एक चीज की वैल्यू नहीं गिवन है बट की सब गिवन होगी, ठीक है? या क्या करो, जैसे क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाना है, मैं देखो क्वेश्चन का फॉर्मूला, तो मेरे को क्वेश्चन इधर रखना है, बाकी सारी वैल्यू डिविडेंड की ओर लेके जाएंगे, तो रिमाइंडर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस इधर डिविडेंड के, डिविडेंड में से क्या हो जाएगा? माइनस। और फिर मल्टीप्लाई, डिवाइजर मल्टीप्लाई में तो राइट साइड जाके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक बात है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला ये बन जाएगा बच्चे, डिविजन माइनस डिविडेंड का, सॉरी क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, सबसे पहले मैं रिमाइंडर को इस साइड लेके गया, तो रिमाइंडर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, फिर क्वेश्चन को लेके जाऊंगा, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक बात है, क्वेश्चन का फॉर्मूला बन गया। सर, सर मुझे क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन का होगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये याद करना आपको, ठीक है? हाँ, नीचे डिवाइजर लिख, फॉर्मूला ये है फॉर्मूला। हाँ एक बार फॉर्मूला लिखो, फिर अच्छे से बताता हूँ।
हाँ 27 क्या हुआ, समझ लिया? जब इधर कोई वैल्यू पॉजिटिव है इक्वल के उधर लेके जाएंगे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगी ना, उल्टी हो जाएगी, उल्टी नहीं होगी नेगेटिव जैसे, होगी। मतलब जब मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिवाइड कर देगा हाँ, तो और माइनस प्लस का का प्लस। माइनस, हाँ तो ये इधर क्या था, प्लस में था, इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, माइनस तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। देखो ठीक, आगे ना समझ, चलो भी आगे। चलो लिख नेक्स्ट है, क्वोशेंट का लिख लिया, डिवाइजर का लिख लो। डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, फिर मैं बताता हूँ ये फॉर्मूले कैसे बने। फर्स्ट फॉर्मूले से डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशेंट। देखो बच्चे अभी हम सीखेंगे डिविडेंड फॉर्मूले से ही क्वोशेंट और डिवाइजर के फॉर्मूला कैसे बना। अब ये एक एक फॉर्मूला याद कर लेना, अगर बाकी सारे फॉर्मूले याद नहीं होते तो आपको, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करके भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, देखो इरेज कर दो एक बार ये। यस सर। देखो yes, फॉर्मूला yes, क्या था, डिविडेंड का फॉर्मूला ये लिखा था मैंने, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब मैंने बोला था इसी फॉर्मूले से हम बाकी फॉर्मूले भी दोनों बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखो, ये यहाँ रिमाइंडर इधर क्या है, पॉजिटिव प्लस है ना, इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हुआ, डिवाइजर ठीक है। अब मेरे को अगर ये डिवाइजर का फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्वेश्चन को लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, ठीक है, या मल्टीप्लाई में ना ये, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को अगर क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाना है तो मैं डिवाइजर को इधर ले आऊंगा। मान लो मेरे को डिवाइजर का फॉर्मूला बनाना है बच्चे, सॉरी, तो डिवाइजर का ही है तो क्वेश्चन को मैं इधर लेके आऊंगा, क्वेश्चन या मल्टीप्लाई में तो राइट साइड आके क्या हो जाएगा अभी बोलो, बातें पता है क्या बेसिक, जब हम प्लस की वैल्यू होती है इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है बोलो, माइनस माइनस। और माइनस की वैल्यू इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई की वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, और डिवाइड की वैल्यू होगी वो डिवाइड में कोई वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड मल्टीप्लाई। अब देखो यार डिवाइजर का फॉर्मूला मेरे को बनाना है तो डिवाइजर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वोशेंट, तो क्वोशेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ना। After you have written dividend is equal to divisor in quotient plus remainder, after that तो उसके बाद वही मैं पहले इसमें से रिमाइंडर है, रिमाइंडर को लेफ्ट साइड लेके आऊं तो ये प्लस का है ना यहाँ पे, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया। अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई में था क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और इसी स्टेप में देखो, इसी स्टेप में मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरे को ना क्वेश्चन का फॉर्मूला रखना है तो डिवाइडर डिवाइडर डिवाइजर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो डिविडेंड माइनस
रिमाइंडर अपॉन, मेरे को क्वेश्चन का फॉर्मूला बना है तो मैं क्वेश्चन को इधर लिखूंगा राइट साइड, राइट साइड में क्या लेके जाऊंगा डिवाइजर, तो डिवाइजर यहाँ मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे डिवाइड हो जाएगा। और जिन बच्चों को अगर कंफ्यूजन लग रही तो ये दो फॉर्मूले याद कर लो, याद करने ही पड़ेंगे और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हाँ भाई शानी और क्या आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या होगा, चार वैल्यू होती है ना, उनमें से तीन की वैल्यू गिवन होगी, चौथी आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। बस ज्यादा टेंशन मत लो, याद कर लो इनको। सर देखो अभी हम उससे जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या होगा, देखो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइजर 10, क्वेश्चन 7 रिमाइंडर 2, यू हैव टू फाइंड डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर भेजो मेरे को चैट बॉक्स में, ठीक है। हाँ राज ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड राज का आंसर ठीक है। मीका राइट वेरी गुड, उत्सव ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। श्रेया ठीक है, ठीक है गुड गुड ठीक है, बहुत बढ़िया बैठो। हाँ जी ईशानी ठीक है, ऋषिकेश ठीक है, उत्सव ठीक है। सर ये तो चैट से कॉपी करके आंसर ना देते। नहीं ये मेरे को ही दिखती है सर, है? चैट मेरे को ही दिखाई देती है। अच्छा चैट तो नहीं दिख रही ना बच्चे आपको? नो सर। सर तेरे को दिख रही है ना? सर मुझे भी चैट नहीं दिख रहा। क्या? हाँ सर आपके पीछे जो बीच स्क्रीन है ना उधर ही देख पा रहा हूँ। उधर तो दिखाई नहीं देगा। तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। अठारह ठीक है बच्चे, अरहंत ठीक है, आलिया ठीक है, वेरी गुड, ईशानी ने बता दिया था मैंने, ठीक है ठीक है। तेजस्वी ने ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा अभी। चलो आगे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं हम, डिविडेंड का? डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर ये फॉर्मूला था ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग 18,270 बाई ए सर्टेन नंबर, बाई ए सर्टेन नंबर द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज 186 एंड द रिमाइंडर इज 42 एंड रिमाइंडर इज 42, फाइंड द डिवाइजर। अब इस क्वेश्चन में ये समझ आ रहा है 18,270 क्या है? यस सर। सर डिविडेंड। हाँ क्योंकि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिविडेंड होता है।
ठीक है सॉल्व करो, चैट बॉक्स में आंसर करो मुझे। देखो अठंत श्रेया ठीक है, तेजस्विनी पाठक आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया, पहले गलत था। ठीक है अब देखो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको क्या है, हमें डिवाइजर फाइंड आउट करना था ना। तो देखो डिवाइजर फाइंड आउट करना है तो देखो क्वेश्चन गिवन है 186, रिमाइंडर गिवन है 42 और डिविडेंड गिवन है 18,270। तो डिवाइजर का फॉर्मूला क्या था पहले देखो, मैं डिवाइजर का फॉर्मूला लिख देता हूँ मुझे। ठीक है देखो डिवाइजर का फॉर्मूला था डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्या था भाई क्वेश्चेंट। ठीक है तो ये आंसर हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। एक और बच्चे का आंसर है अथर्व ठीक है, ईशानी ठीक है, अथर्व ठीक है आपका भी ठीक है। देखो अब मैं क्या करूंगा, एक और आगे आंसर देख लेते हैं अभी। रुद्रा गलत है, अभी सॉरी है। देखो बच्चे न्यू अभी डिविडेंड कितना है 18,270 माइनस रिमाइंडर कितना है बच्चे 42, इसको किससे डिवाइड करना है 186। ठीक है तो पहले देखो 18,270 में क्या माइनस करेंगे 42, यहाँ कैरी किया 10 हो गया, 10 माइनस 2 8, यहाँ कैरी कर लिया तो 6 बचा, 6 माइनस 4 2 2 8 1 18,288 ये बचा 28। अब इसको किससे डिवाइड करना 186 है। ठीक है आप इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हो 2 की टेबल से, ठीक है या वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है देखो अब इसको सीधा डिवाइड कर दूं क्या मैं, देखो 18,228 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 186 से, तो 182 है तो ये किस पे जाएगा, हाँ बहुत हाँ 9 के आसपास जाएगा जब नंबर इसके बराबर ही ऊपर ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1822 फोर डिजिट को सॉल्व करना पड़ेगा, ये किस पे 9 के आसपास चेक करो, 9 6 54 कैरी 5, 9 8 72 प्लस 5 77 कैरी 7, 9 1 7 प्लस 9 1 9 प्लस 7 कितना होगा 16, 1 6 7 4। ठीक है अब 10 पे तो 8 1 8 6 0 हो जाएगा, दी तो थी वर्कशीट मिली नहीं आपकी नहीं होती। तो देखो बच्चे अब इसको डिवाइड किया रिमाइंडर कितना होता है कैरी किया 12 माइनस 4 8, यहाँ कितना बच गया 1, 1 में से फिर अगेन कैरी किया 11, 11 माइनस 7 4, यहाँ 1 बचा क्योंकि एक कैरी हो चुका है, अब 8 कैरी कर लो। अब ये किस पे गया था पहले 9 पे, अब ये 8 है ना 8 6 48 186 से 8 पे जाएगा एक जगह, देखो 8 6 48 कैरी 4, 8 8 64 प्लस 4 68 कैरी 6 बचे, 8 1 8 प्लस 6 14, तो 8 पे एग्जैक्ट डिवाइड हो कितना 1 4 8 8 रिमाइंडर 0, तो आंसर आ गया 98। ठीक है सर मुझे आपने जब ये 186 और 9 का मल्टीप्लाई किया वहां से समझ नहीं आ रहा, तो 186 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मुझे सर 8 8 64 हो गया और कितने होंगे, देखो जी आपको क्या फाइनल करना है सर हो गया। ठीक है बैठ जाओ कोई ना आराम से, फाइंड डिविडेंड, ठीक है डिविडेंड फाइंड आउट करना है, डिवाइजर है बच्चे 100, क्वेश्चन है 9, रिमाइंडर है 34, बताओ डिविडेंड कितना होगा, चैट बॉक्स में आ जाओ। ठीक है श्रेया ठीक है, अथर्व ठीक है, राज ठीक है, वेरी गुड, उत्सव ठीक है, ईशानी ठीक है बच्चे बहुत बढ़िया,
सर आपने बहुत इजी दिए। हाँ अरहंत गलत है। हाँ आलिया ठीक है बच्चे आपका आंसर, ऋषिकेश ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है और किसी को आंसर करना है क्या? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।